कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो मशरूम बहुत ही फायदेमंद है, परंतु उसको लेने का एक तरीका है, मशरूम की सब्जी नहीं। अगर आप मशरूम को सूप के फॉर्म में खा रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने में भी मदद करता है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। या अगर आप मशरूम का सूप बना के पी रहे हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल में बहुत ही अच्छा फर्क दिखने को मिलेगा, क्योंकि सूप में कोई फैट नहीं होता है, हम बहुत ज्यादा तेल मसाला नहीं डालते हैं। तो सब्जी के अकॉर्डिंग अगर आप इसका सूप ले रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको हृदय रोग है तब भी मशरूम आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जिन लोगों को शुगर हुआ, जिनके अंदरूनी अंग कमजोर हो गए हैं, नसें कमजोर हो गई हैं, जैसे लीवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, गुर्दे, ऐसे में मशरूम का सेवन उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और महिलाओं में अगर स्तन कैंसर है तो उन लोगों के लिए मशरूम के सूप का सेवन बहुत फायदेमंद है। और सबसे बढ़िया, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आज की डेट में है, मोटापा की, अगर आप मशरूम के सूप का सेवन करते हैं तो आपके मोटापे को घटाता है, आपकी चर्बी को मल मूत्र के रास्ते, पसीने के रास्ते बाहर निकाल देता है और आपके शरीर से एक्स्ट्रा जो फैट है ना उसको काटने में मदद करता है, उसको हटाने में मदद करता है। तो मशरूम का सूप आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो डेली मशरूम का सूप पीजिए, आपको बहुत फर्क दिखेगा। जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है, जैसे ही मौसम चेंज होता है कि सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार उनको होने लगता है, ऐसे लोगों को अगर डेली मशरूम का सूप का सेवन करते हैं तो उनकी इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसम बदलने के साथ ही जो परेशान हो जाते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, छींक आना, ये सब प्रॉब्लम उनकी खत्म हो जाएंगी। जिन लोगों का पेट सही नहीं रहता है, पेट में भारीपन रहता है, ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, ऐसे लोग अगर मशरूम के सूप का सेवन करते उनका डाइजेशन अच्छा होता है, उनका पेट भी अच्छा रहता है और ऐसे लोगों को मशरूम का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। आजकल सबसे कॉमन समस्या क्या है, अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो आपको एक गोली तो जरूर देगा, कैल्शियम विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी की कमी आजकल लोगों को इतनी ज्यादा हो रही है और उसका रीजन भी मैंने बताया अपने वीडियोस में, विटामिन डी से रिलेटेड मैंने एक वीडियो शेयर की है, वो वीडियो भी आप चेकआउट करिएगा। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपको विटामिन डी की कमी है और अगर आप गोली ले रहे हैं विटामिन डी की, विटामिन डी आपके शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी रहेगी तो आपके शरीर में जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं होगा, फिर आपको कैल्शियम की कमी भी होगी, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा आएगी। तो अगर आपको विटामिन डी की कमी है, किसी भी तरह की गोली या फिर कोई सप्लीमेंट लेने से बेहतर है आप मशरूम का सूप पिए, क्योंकि अगर आप कोई गोली या फिर कोई सप्लीमेंट लेते हैं तो उसका सिर्फ 20% ही आपको मिलता है। तो जिन लोगों को भी विटामिन डी की कमी है उनको कोशिश करना चाहिए कि नेचुरली विटामिन डी ले, और मशरूम में विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप मशरूम के सूप का सेवन करते हैं तो विटामिन डी आपको भर भर के मिलेगा, दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दवाइयों के साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और नेचुरल चीजों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जिनको भी विटामिन डी की कमी है उनके लिए तो मशरूम का सेवन अवश्य 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 करना चाहिए। जो व्यक्ति फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन या स्किन से संबंधित कोई भी बीमारी हो, कब से संबंधित कोई बीमारी हो, उसमें मशरूम के सूप का सेवन बहुत ही फायदेमंद है। मैं बार बार सूप इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सूप में मसाला, मिर्चा या फिर तेल की मात्रा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, मसाले वगैरह तो होते ही नहीं है, बट तेल की मात्रा भी ना के बराबर होते हैं। कुछ लोग तो बिना तेल में बनाना प्रीफर करते हैं, एक्चुअली मैं बिना तेल में ही बनाना प्रीफर करती हूँ, या फिर अगर यूज करते भी हैं तो लोग बटर में या फिर घी में बनाते हैं इसको। सूप ज्यादा हेल्दी वर्जन है कि मशरूम को खाने के लिए। जिन लोगों पर एनीमिया की शिकायत है, फोलिक एसिड की कम है शरीर में, ऐसे में मशरूम और काले चने का सूप बना करके खाना चाहिए, उनके लिए बहुत लाभदायक है। इससे उनके एनीमिया की शिकायत भी दूर होगी और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है उसको भी दूर करेगा। मशरूम में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, एनीमिया की शिकायत भी दूर होती है, अन्य तरह के जो प्रोटीन की कमी होती है वो भी दूर हो जाती है। किसी भी तरह के प्रोटीन और विटामिन्स की कमी को दूर करने के लिए भी आप मशरूम के सूप का सेवन कर सकते हैं।